Hello everyone. Very good noon to all of you. This side Dr. Amit Kumar Sharma and we are in the super question series. So aaj main aap logo ke liye bahut sare questions leke aaya hu real analysis ke jo CSIR net mein puche ja rahe hain. Kafi sare other competitive exam ke questions bhi yahan discuss kiye jayenge. So chaliye स्टार्ट करते हैं. हम लोग हैं वाईफाई स्टडी चैनल पर सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन के लिए और मेरा रेफरल कोड है यहाँ पर आप देख रहे हैं Amit10. ओके, दिस इज माय रेफरल कोड. सो फॉर माय स्पेशल क्लासेस फॉलो मी एवरीडे एट 4 PM. प्लेटफॉर्म क्या है? अन अकेडमी पर मैं क्लासेस ले रहा हूँ जिनमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस प्लस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स एज वेल एज सम थ्योरी ऑफ द कंसेप्ट कि भाई क्या कंसेप्ट है. सो यहाँ ये पूरा डिस्कशन चला हुआ है प्लस इसमें मैंने रिजिड किया हुआ है कि मैं सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है ना? सो इट्स अ वेरी यूजफुल. सेकेंड वन इज अ रेगुलर क्लासेस जो कि यूट्यूब पे है, वाईफाई स्टडी सीएसआईआर नेट चैनल पे. आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं. एवरीडे आई एम टेकिंग द क्लास एट 7 PM मंडे टू फ्राइडे. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर an whose supremum infimum limit superior limit inferior are district की बात की है ना. तो सबसे पहले वाला आप देखो भाई, यहां supremum infimum limit superior limit inferior. supremum infimum से मतलब समझिए आप बिल्कुल roughly सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट सेट का, यानी कि ऐसे दो एलिमेंट जिसके बीच में सारे के सारे नंबर है. आपका सुप्रीमम इनफिमम ये आपको यहाँ सर्च करने की तरफ अप्रोच करनी है. लिमिट सुपीरियर लिमिट इनफिमम लिमिट लिमिट पॉइंट होगा सबसे बड़ा एलिमेंट और लिमिट पॉइंट का सबसे छोटा एलिमेंट, यानी कि लिमिट लगाने के बाद हमें मिले. आप यहाँ देखिए यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको अगर मैं इसको लिख दूं, एक तो -1 हो गया और एक आपके पास 1/n हो गया. जब आप इसमें पॉइंट पुट करने के चलेंगे तो आपको क्या मिलने वाली है वैल्यूज. फर्स्ट पुट किया हमने ऑड नंबर पे बिकॉज एन इज ऑड हियर एंड एन इज इवन हियर. यहाँ से -1 भी मिलेगा आपको और मूव कर जाओगे आप कहाँ तक? 0 तक. यहाँ से क्या मिलेगा? 1. मूव कहाँ कर जाओगे? 0 तक. सो दो ही पॉइंट्स मिल रहे हैं ऐसे आपके पास, तो डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है. सिमिलरली द सेम केस यहाँ -∞ to ∞ तक के सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं लेकिन चारों पॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहे हैं. यहाँ लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर के बराबर हो जा रहा है. दैट्स व्हाट द सेम केस दैट यहाँ क्या है? 0 to 1 दो ही वैल्यूज हैं तो नहीं हो सकता है ये ऑप्शन भी. दिस वन आप यहाँ पॉइंट पुट करके देखेंगे, जैसे ही आप n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं यू आर गेटिंग n इज ऑड यू आर गेटिंग -3. ओके, और मूव कहां तक करेंगे इसमें? n टेंड्स टू इनफिनिट पे क्या वैल्यू आने वाली है? -2. ओके, सिमिलरली यहाँ पर 3 आपने और इवन पुट किया तो 3 + 1/2 दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग 7/2. ओके, 7/2 से स्टार्ट करेंगे कहां तक पहुंचेंगे? 3 पर. यहाँ पे आपको चारों पॉइंट्स मिल जाते हैं. सो दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन. सिर्फ डेफिनेशन लगानी है और कुछ भी नहीं करना है. और एक अच्छी बात इस ऑप्शन में तो यही है, 4 पॉइंट डिस्टिंक्ट, उसके अलावा तो कहीं पॉइंट ही डिस्टिंक्ट नहीं आ रहे हैं, दो ही आ जा रहे हैं आप लोगों के पास, तो एटलीस्ट ये भी देख सकते हैं आप. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? द सीरीज दी हुई है हमें और सीरीज का है e^(√n) * x^(n). ये एक पावर सीरीज है. ठीक है, इज ए कन्वर्जेंट 4. आप देख कन्वर्जेंट एक्स के लिए हमें पूछा गया है. ठीक है ना, यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि क्या आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है या अदर कोई, कुछ भी नहीं पूछ रहा है. सो पावर्स में है इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज अ सीरीज. यूएन लिख लीजिए इसका. यूएन क्या आने वाला है? यूएन इज इक्वल टू e^√n * x^(n). यूएन प्लस 1 भी निकाल लीजिए. यूएन प्लस 1 इज इक्वल टू e^√n + 1 * x^(n+1). रेशियो निकालिए भाई, कौन सा याद आता है सबसे पहले हम लोगों को? टेस्ट. इस टेस्ट का नाम बताइएगा मुझे, क्या नाम है, कौन सा रेशियो टेस्ट है ये? ठीक है, सो un/un+1. सो un की वैल्यू क्या है हमारे पास? e^√n (x^(n) / e^√n+1 * x^(n+1). सॉल्व कीजिए इसको, क्या वैल्यू आने वाली है? लिमिट लगा दीजिएगा. यू हैव टू यूज द लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट. लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, व्हाट विल बी द वैल्यू? आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दैट, यू विल गेट द वैल्यू 1/e^√n (x). ओके,
you will get e to the power 1. So you will get e to the power 1 by 2 into x. This value will receive. So जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आ गई, आपको क्या देखना होता है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, यानी कि un upon un plus 1 की वैल्यू हमारे पास आई है, that is a 1 upon root e into x. ठीक है, हमें क्या देखना है इसको, ये less than 1 है या greater than 1 है. Yes, ठीक है. अब हम पूछा है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट के लिए हमें क्या करना होगा, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 1. सो दिस मींस व्हाट हैपन, दैट इज दैट मींस x इज लेस देन वन अपॉन रूट ऑफ e. e की वैल्यू को देखिए आप, कितना आता है आपका e का वैल्यू, 2 और 3 के बीच में है और रूट ऑफ e की बात कर रहा है ये. सो दैट मीन्स ये कोई कितनी वैल्यू है, ये तो आपकी वैल्यू 0.5 से भी छोटी वैल्यू है. अब आप यहाँ ऑप्शंस को देख सकते हैं, ये ऑप्शंस भी क्या है, ये भी डिस्कार्ड हो गया हमारा, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया. ऑप्शन सिर्फ 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन. सो हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाना था इसके अंदर, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना था, सिंपली कैलकुलेशन है, टेस्ट की वैल्यू को हमें देखना है. सो टेस्ट का नाम मुझे बता दीजिएगा आप लोग कि क्या टेस्ट का नाम है. The next question is the improper integral 0 to 1 sin x by x dx is. क्या है इसकी value improper integral की? बहुत ही simple question है ये. क्या दी हुई है यहाँ? एक improper integral दिया हुआ है और improper integral की जो दोनों limits हैं both are the finite limit. आपको ये तो मालूम ही होगा कि sin x या cos x की modulus value क्या होती है. चलिए cos x लेते हैं. cos x की मॉडुलस क्या होती है? अनलेस और इक्वल टू 1 से छोटी होती है. इसका मतलब क्या हो गया? 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 1 अपॉन cos x का मॉडुलस, दैट मींस 1 लेस और इक्वल टू sec ऑफ x का मॉडुलस सिंपली. सो डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड बाय x मॉडुलस, दैट मींस दैट इज व्हाट, 1 upon x is less or equal to sec of x by x modulus. ठीक है, आपने इस सीरीज को क्या किया, सीरीज को आपको इस जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको बिल्कुल उस तरीके से बिहेव करना जैसे सीरीज का हम टेस्ट लगाने वाले हो. यहाँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का हमें टेस्ट लगाना है इसके लिए. और आप जानते हैं 0 टू 1 के बीच में 1 by x जो आता है हमारे पास, दिस इज अ डाइवर्जेंट इंटीग्रल है, डाइवर्जेंट है. ठीक है, सो आपके पास नोटिस कीजिए sec x by x से बड़ी सीरीज है ये. ये तो छोटे सीरीज को हमने क्या देखा है, डाइवर्जेंट आई है, तो ये तो बड़ी सीरीज है sec x by x, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा. सो दिस इज नॉट द सीरीज, फॉरगेट इट, दिस इज अ इंटीग्रल, ये आपका एक टर्म है इसका. ठीक है ना, फिक्स टाइप का. तो आपने इसकी डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं बाय दिस टेस्ट. ठीक है, दिस इज अ थिंग. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले हम बात करते हैं अनअकैडमी का ऐप को आप डाउनलोड कर करके इंस्टॉल कर सकते हैं. नेट एग्जाम पे क्लिक करेंगे यू विल गेट दिस, एंड फॉर द सब्सक्रिप्शन जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन एंड यू विल गेट द रेट ऑफ द सब्सक्रिप्शन 1 month, 3 month, 6 month and 12 month, जिसको भी आपको लेना है. एंड इफ यू विल यूज दैट कोड amitas10 यू विल रिसीव 10% ऑफ फॉर ईच सब्सक्रिप्शन फॉर एनी मंथ. ओके, सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ सिंपल सी ट्रिक छुपी हुई है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को जब सिंगल वेरिएबल की प्रॉब्लम थी. यहाँ ये टू वेरिएबल की प्रॉब्लम है जिसमें मैंने कहा है आपको f ऑफ xy इज इक्वल टू 3xy, दैट xy इज नॉट इक्वल टू 2, 3, xy इज इक्वल टू 2, 3. सो दोनों वैल्यूज को इक्वल रख लीजिए भाई. सबसे पहले 3 ऑफ xy इज इक्वल टू 6. ठीक है, मुझे कंटिन्यूटी की बात कर रहा है क्वेश्चन में, ये आस्किंग अबाउट द कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह वगैरह. सो व्हाट इज दिस, एक्स वाई इज इक्वल टू 2. ठीक है ना, क्या गया, क्या बताया गया, एक्स इज टेंडिंग टू 2 एंड वाई इज टेंडिंग टू 3, दैट मींस एक्स इज टेंडिंग टू 2 एंड वाई इज टेंडिंग टू 3. क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें 6 मिल जाए? नेवर पॉसिबल. इसका मतलब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है. ठीक है, दैट मींस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. सो नॉट कंटिन्यूअस पहला ऑप्शन खत्म. एफ इज डिफरेंशियबल, जब कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशियबल भी नहीं, ये भी खत्म. एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल, ये भी खत्म. बचा ही ऑप्शन क्या, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, एक ही ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है. हाउएवर ये ध्यान रखिएगा इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी.
ठीक है, आप जैसे ही लेफ्ट साइमल्टेनियस लिमिट लगाएंगे, पहले एक्स की लेकर के बाद में वाई की, एक बार वाई की पहले लेकर के और दूसरी बार में एक्स की, सो यू विल गेट योर आंसर की देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट हो रही है बट ये फंक्शन स्टिल कंटिन्यूअस नहीं है, दैट्स अ एग्जांपल। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। या दिस क्वेश्चन इज अ कंसीडर द सेट ऑफ द सीक्वेंस। ओके, एक एक्स चार्ट एक्स दिया हुआ है मुझे, किसका, सीक्वेंसेस का। क्या चेक करना है, काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के बारे में हमें पूछा गया है। ओके ना, सो सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस एक फंक्शन ही है, दैट इज नथिंग, हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन इज सबसेट ऑफ आर। यहाँ सबसेट वो क्या है, जीरो और वन, दो ही एलिमेंट आ रहे हैं। यानी कि आपको काउंटेबिलिटी की बात करनी है तो सिंपली आपको ये चेक करना है कि भाई इसके आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो सेट के। सेट में क्या है, फंक्शंस हैं जिन्हें हम सीक्वेंस ही हैं बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो फंक्शंस देखने हैं कि टोटल फंक्शन कितने आने वाले हैं। सो फंक्शन, फंक्शन में तो आप जानते हैं ना, जब हम फंक्शन काउंट करते हैं तो क्या कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए होता है, अगर हमारे पास फंक्शन ए टू बी हो, टोटल फंक्शन, ठीक है, इसका यूटिलाइज हम कर लेंगे। सो क्या हो गया ये आपके पास, टू की पावर अल्फा नॉट। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द कार्डिनलिटी, टोटल फंक्शन कितने आ गए, दिस वन, सो दिस मीन दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट। सो आप देख लीजिए कौन कौन सा ऐसा है हमारे पास जो कि ऑप्शन हमारा फिनिश हो सकता है। फर्स्ट इसने क्या कहा, एक्स इज काउंटेबल, गया काम से, एक्स इज काउंटेबल, थर्ड भी गया, यानी कि टू और फोर में से ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास। वाई भी हमें चेक करना ही पड़ेगा, वाई में क्या दिया हुआ है, एक तो प्रिकॉशन यहां रखिएगा आप, एक्स एंड बिलोंग्स इन एक्स, कैपिटल एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब जो वाई सेट है वो एक अनकाउंटेबल सेट का सबसेट है। अगर ये काउंटेबल हो जाता पहला तो फिर डेफिनेटली वाई को भी काउंटेबल होना पड़ता, लेकिन अभी क्या है, डाउटफुल केस है, ये काउंटेबल भी हो सकता है अनकाउंटेबल भी हो सकता है, हमें इसको देखना ही होगा। इसने क्या कहा है हमें, इसने कहा है कि वाई इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स इन एंड एक्स इज xn is equal to 1 for finite many values of n। तो कैसे sequences होंगे, कैसे terms होंगे sequence के, xn को क्या कहा है, 1 for finite many values of n। so यानी कि अगर मैं कहूँ y के अंदर जो मेरे पास elements बन रहे हैं sequence के, कैसा होगा, 0 0 0 dot dot 1 1 1 1 1 1, ठीक है, so similarly 0 0 वन 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 वन, तो ऐसी सिचुएशंस बनती जा रही है हमारे पास, कहीं वन आ गया कहीं जीरो आ गया, लेकिन आप क्या कहा है, वन हमारा पास जब भी आएगा वो फाइनेटली मेनी टाइम्स आएगा, तो स्टिल इसमें जीरोस कितने बच रहे हैं हमारे पास, ये इनफिनिट बच जाते हैं। सो दैट मीन्स आप वंस को तो काउंट कर सकते हो ना, सो आपके पास टोटल सेट में, और किसका सबसेट है, ये एक्स का सबसेट है, यानी कि अनकाउंटेबल सेट से आप काउंटेबल सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू माइनस, व्हाट यू विल रिसीव, अनकाउंटेबल। So, क्या हुआ आपके पास, x is uncountable and y is also uncountable, so d option is the correct option here, simply हमें यहाँ देखना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which one of the following set of functions are uncountable and stand for the set of natural number, ये तो ठीक है। आप यहाँ पे भी क्या करना है हमें, simply हमें ये निकालना है कि total number of functions कितने हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, what happened with this one, 2 की पावर अल्फ नॉट, अभी हमने निकाला है पिछले इसमें केस में ही, ठीक है ना, इसकी कार्डिनलिटी कितना है, 2 कार्डिनलिटी है इसका, ठीक है, द कार्डिनलिटी ऑफ दिस वन, और इसकी कार्डिनलिटी कितना है, इसका कार्डिनलिटी अल्फ नॉट है। सो ये पूरा फंक्शन जो निकले, सो कार्डिनलिटी ऑफ फंक्शंस, सो ये किसके इक्विवेलेंट हो गई है, अनकाउंटेबल सेट के, अनकाउंटेबल सेट के। ओके, सो कम टू द, हमें पूछा भी क्या है, और इसने अनकाउंटेबल के बारे में ही पूछा है, द फॉलोइंग सेट ऑफ द फंक्शंस आर अनकाउंटेबल आर। ओके, सो फर्स्ट इज अ करेक्ट वन, अनकाउंटेबल, सेकंड में क्या कहा है इसने, ओके, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 टू 2n, जस्ट उसका रिवर्स कर दिया, डोमेन कोडोमेन को रिप्लेस किया हुआ है। आप नोटिस कीजिए इसके अंदर, इसमें क्या किया है इसने, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी, हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आने वाले हैं इसके अंदर, दैट इज काउंटेबल सेट पावर 2, विच इज नथिंग, काउंटेबल सेट कार्टेशियन, दो 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 काउंटेबल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, दिस इज अ कार्डिनलिटी ऑफ द काउंटेबल सेट, दिस इज आल्सो द कार्डिनलिटी ऑफ द काउंटेबल सेट, और हम जानते हैं बाय द स्टेटमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल, सो दिस इज अ
काउंटेबल, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, ये ऑप्शन की जरूरत नहीं है, डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमें अनकाउंटेबल की रिक्वायरमेंट है। आप थर्ड ऑप्शन में जाते हैं, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम 1 to 2n विद दिस सिचुएशन एफ ऑफ 1 लेस और इक्वल टू एफ 2। भाई ये आप 2 और 3 में नोटिस कीजिए, बिल्कुल जो सेकेंड में जो सेट दिया हुआ है हमारे पास और जो थर्ड में सेट दिया हुआ है, जो थर्ड वाला सेट है ये तो सबसेट है इसका, जो ऑप्शन 2 में हमें सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा 2 क्या था, काउंटेबल, और थर्ड वाला उसी का ही सबसेट है तो क्या होगा, काउंटेबल। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, काउंटेबल सेट का सबसेट भी काउंटेबल ही होगा, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट है। यानी कि 2 ऑप्शंस तो हमारे डायरेक्टली ऑप्शन से ही, स्टेटमेंट से ही डिस्कार्ड हो गए हैं। चलती है, मूव करते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, क्या दिया हुआ है, एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू 1 to। ओके, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरीके से बिहेव है, और ये क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन भी है। चलिए बना लेते हैं, मैं कहता हूँ ये मेरे पास रहा डोमेन जिसमें मैंने 1, 2, 3 डॉट 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 n एलिमेंट्स रखे हुए हैं। उसके बाद कहाँ पर जा रहे हैं, कोडोमेन में जो मेरे एलिमेंट्स हैं 1 और 2 के पास ही चॉइस है इनके पास, यानी कि मैं यहाँ से कहूँ कि हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, 2 2 2 2 चॉइस है मेरे पास हर एक एलिमेंट के पास। लेकिन क्या कंडीशन है साथ साथ दी हुई, ये कंडीशन दी हुई है f of 1 is less or equal to f of 2, यानी कि 1 और 2 जो एलिमेंट है सिर्फ इनके पास ही कह सकते हैं कि कंडीशंस है, उसके अलावा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हर एलिमेंट के पास हमारे पास चॉइस है। यानी कि 3 के पास भी कितनी चॉइस है, 2 चॉइस, 4 के पास भी कितनी चॉइस है, 2 चॉइस। क्यों कर रहा हूं मैं चॉइस, क्योंकि मुझे फंक्शन बनाने हैं, तो फंक्शन टोटल फंक्शंस निकालने हैं, तो मैं चॉइस ही तो देखता हूं हर बार कि कहां-कहां जा सकता है वो। So that means 5 and so on infinitely पूरा। So that means कहाँ, सबके पास 2 हैं, तो अगर मैं सबको टोटल देखूँ तो कितना आएगा, 2 की पावर आपके पास countable set की cardinality, or if not, so what is this? तो total cardinality कितनी हो गई वापस, continuous, यानी कि uncountable वापस। So uncountable चाहिए था, ये भी एक हमारे पास option है। So that means first and 4 is the correct and rest is not correct here, ठीक है ना। हमें क्या ध्यान रखना है, जस्ट फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है या सीक्वेंस का दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, फॉर ईच जे इज इक्वल टू 1 2 3 ए जे बी एफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। चलिए सबसे पहले इसी की बात को मान लीजिए, इसने क्या कहा है, ए जे जो भी है उसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा कि ठीक है, एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट मेरा बी है, ठीक है ना। मैंने कहा दिस इज होल्ड फॉर ऑल जे, मैंने 2 ही मान लिए है ना, डिस्ट्रिक्ट है और बोथ आर डिस्ट्रिक्ट, ए इज नॉट इक्वल टू बी। जस्ट कंफ्यूज करने के लिए क्या हुआ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तब इसने कहा है कि आपके पास क्या सिचुएशन होगी, हर जे के लिए मैं तो मान लिया इसको कि हर एक में 2 ही एलिमेंट और यही एलिमेंट है फिक्स्ड। इसने तो नहीं कहा ना कि डिस्ट्रिक्ट आप हर एक सेट के अंदर भी अलग अलग लोग, नहीं यही। तो इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं, ए वन में भी मेरे पास तो ए कॉमा बी है, ए टू के पास भी ए कॉमा बी है, और मैं कहता हूं मेरे पास कितने भी चले जाइए उन सब के पास मेरे पास यही सिचुएशन है। ओके, आपको क्या गया कहा गया पहले ऑप्शन में कि पूरा जे इज इक्वल टू, यानी कि इन सबका यूनियन करना है, आर्बिट्री काउंटेबल यूनियन करना है मुझे। सो दैट मीन्स क्या मिलेगा मुझे, ए जे, व्हाट विल बी द वैल्यू इफ आपने ये चूज किया है, तो यू विल गेट इट ए। क्या आप काउंट नहीं कर सकते कितने एलिमेंट हैं, अगेन 2 ही एलिमेंट है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये काउंटेबल सेट हो गया है। ओके, सो बिल्कुल सही बात कही है इसने, जैसे आर्बिट्री काउंटेबल तो सेट है और काउंटेबल ही यूनियन कर रहे हो भाई, काउंटेबल ही आने वाला है उसका ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन में तो प्रोडक्ट भी लगाया गया है, और प्रोडक्ट को ध्यान रखिएगा कहां तक लगाया है, n तक लगाया गया है। चलिए हम बात करते हैं, वापस हमने यही रखा कि हमारे पास जो है 2 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। सो प्रोडक्ट करते हैं हम इन एलिमेंटों का, 2 एलिमेंट इसके अंदर, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो कितने कहां तक जा रहा है, यानी कि इस पूरे की सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, j इज इक्वल टू 1 to n, aj का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं इसकी कार्डिनलिटी कितनी आने वाली है, हर एक में 2 एलिमेंट से, तो 2 to the power n, ठीक है ना। सो 2 to the power n, चूंकि n तो कोई फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर है हमारे पास n, तो इसका मतलब पूरा सेट क्या हो गया हमारे पास, ये एक फाइनाइट सेट आ गया, ठीक है ना।
दिस इज द फाइनाइट सेट। अब हमारे पास ये सेट फाइनाइट सेट आ गया है, हमने क्या कहा गया है उसका वापस नेचर कैसी हो गई, जैसी हमने स्टार्टिंग में ली थी, बिल्कुल ऐसी कि जो है आपके पास AJ is a finite set, तो finite set है, वापस हमने क्या किया उसको arbitrary union कर रहे हैं, उसका countably union कर रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा, countable हो जाएगा, लेकिन क्या option में दिया हुआ है uncountable, इसका मतलब ये गड़बड़ है, ये तो countable था भाई। अब third option पे आते हैं, आप third option पे आते हैं तो आप देखते हैं J is equal to 1 to infinity, यानी कि इस पे हमें focus करना है, ये क्या दिया हुआ है infinite इस बार, जबकि वहां पर क्या था n। So that means, अगर मेरे पास ये सिचुएशन है कि मैं प्रोडक्ट करने जा रहा हूं J is equal to 1 to infinite AJ का, कि कार्डिनलिटी कितने आने वाली है, हर एक के पास दो दो ही एलिमेंट रखे हैं मैंने, टू टू चॉइस रखी, तो कितना बन गया इस बार, कितना बन जाएगा, अब n नहीं रहा, अल्फ नॉट आ गया, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ये किसकी कार्डिनलिटी है, दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट, और क्या ऑप्शन में दिया हुआ है अनकाउंटेबल, तो भाई ये भी करेक्ट हो गया। अब आप फोर्थ ऑप्शन को देखोगे और फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो आपको पता लग गया होगा कि फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो पहले बोल दिया है जैसे अकाउंटेबल सेट, इसका मतलब फोर्थ नहीं है। सो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, CSAR नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आया हुआ है इससे पिछले भी और उससे पिछले भी, ठीक है ना, ये काउंटेबल सेट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो काउंटेबल सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और कुछ भी नहीं है ऐसा कि डिफिकल्ट हो उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या दिया हुआ है, लेट ए बी एनी सेट एंड पी ए बी द पावर सेट ऑफ अ सेट ए, दैट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, पावर सेट दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है, इतनी सारी लैंग्वेज लिखे कंफ्यूज कर रहा है। पहला देखिए ऑप्शन क्या है, पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5 फॉर सम ए, क्या ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली किसी भी सेट का आप पावर सेट ले वो 5 आ जाए, अरे भाई 5 का भी लोगे ना तब भी एक एलिमेंट मिल जाएगा आपको, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। पावर सेट ऑफ ए सेट इज फाइनाइट फॉर सम ए, बिल्कुल एक एलिमेंट ले लीजिए, इफ ए इज इक्वल टू 1 तो पावर सेट आपका मिल जाएगा, आपको क्या आएगा वो, दिस विल बी द फाइनाइट सेट, सो ये भी हो गया करेक्ट है। पावर सेट ऑफ ए काउंटेबल सेट, पावर सेट of A is a countable set for some A, अभी निकाला तो है, so that means ये भी correct है। Power set of A is uncountable set for some A, बिल्कुल set of natural number ले लीजिए, अगर आपके पास if A is equal to set of natural number, ठीक है, that means इसका power set अगर आप निकालने के लिए चल रहे हैं, so उसकी जो cardinality आएगी that will be the equal to 2 to the power alef nut, which is a uncountable set. तो इसने क्या कहा है? Uncountable set for some a, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि the question was very trivial, आपको कोई भी a ले लेना है और उसके accordingly सोचना है कि हाँ हम उन्हें count कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो finite value आ रही है उसकी cardinality set की या नहीं आ रही है, okay ना? So move करते हैं next question पे, what is the next question? If an is greater than 0 for all n greater than equal to 1 and summation n is equal to 1 to infinite an converges then the series, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको मालूम होना चाहिए कोई सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट दी हुई है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम देखिए होता ये यूसी में है कि अगर आप आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कोई सीरीज, सो आप क्या करते हैं उसके अंदर उसके दो चार टर्म घटा दोगे उसमें से या ऐड कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर भी ये बिहेव करता है इसी तरीके से। आपको क्या कहा गया है कि एक सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है, सबसे पहले माइंड में आता है हमारे कि यहाँ क्यों ना पी सीरीज की तरफ की अप्रोच करें, यानी कि अगर मैंने ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना, सो आप समझ सकते हैं ए एन प्लस वन भी क्या होने वाला है, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर, आप यहाँ रख करके भी देखेंगे तब भी पी सीरीज के थ्रू कंपेरिजन करके तब भी निकाल लेंगे, और नहीं तो ये ए एन प्लस वन टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, द सीरीज इज द सेम, ओके। सो दैट मीन्स व्हाट ही इज डूइंग, उसी का रूट लगा दिया, नथिंग इज डूइंग दैट, अ सीरीज जो आपके पास जिसे कंपेरिजन करोगे वो एक एन स्क्वायर फॉर्म की ही रहेगी स्टिल, सो ये कैसी है सीरीज, कन्वर्जेंट है, ऑलरेडी गिवन है, तो द सीरीज विल बी द सीरीज ऑल्सो विल बी द कन्वर्जेंट सीरीज, तो इसमें तो इतना जाना ही नहीं है, सिंपली स्टेटमेंट बेस है और लॉजिकल बेस क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। आपको एग्जांपल लेकर के इस पे जैसे कि मैंने लिया है n = 1 स्क्वायर ट्राई करके भी देख सकते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन, ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं, चलिए आज के लिए काफी है, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी वाईफाई स्ट्रीम CSIR नेट चैनल को।
Thanks, sir. A lot to listen to me.